आता है, होते रहता है, लिख के जाते रहता है, कुछ नहीं आता है। गारंटी गारंटी कैसे गारंटी मिलेगा हम लोग? ये ना क्या कुछ वोट लिए आप पैसा लेके, तो हम पैसा लेके लिए तो कौन चीज का मिलेगा? रांची के कागज आपके जो यहाँ कटवाई दीजिए सरकार आपके द्वार आपका अधिकार को लेकर के गांव गांव घूम रही है, यानी कि पंचायत पंचायत तमाम झारखंड में यह कार्यक्रम चल रहा है। अभी हम खड़े हैं बड़ी कल्याणी, ये पंचायत भवन है और यहां पर वही कैंप लगा है जो झारखंड के तमाम गांवों में तमाम पंचायतों में लगाया जा रहा है। ये लेकर कि जब आप अपने अधिकारों को लेकर अगर प्रखंड कार्यालय तक नहीं पहुँच पाते हैं, सरकारी दफ्तरों तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो यहाँ तमाम विभागों के काउंटर लगे हैं, आप अपनी शिकायत वहाँ दर्ज करा सकते हैं, आप आवेदन यहाँ दे सकते हैं। लेकिन जब हम यहाँ आए तो अलग ही तस्वीर नज़र आई है। कुछ ऐसे स्टॉल हैं विभागों के जो अमूमन खाली दिख रहे हैं और कुछ एकाध स्टॉल हैं जहाँ ताबड़तोड़ भीड़ है। वो स्टॉल हैं जहाँ आवास और पेंशन के लिए स्टॉल लगाए गए हैं, विभाग के स्टॉल हैं, तो सबसे ज़्यादा भीड़ वहीं दिखाई दे रही है। और लोगों के हाथों में आवेदन है, उस आवेदन में ये है कि उन्हें आवास नहीं मिला, उन्हें पेंशन नहीं मिला। अगर आवास और पेंशन इतने दिनों से मिल नहीं पाया है पूरे पंचायत को, यहाँ अमूमन कह रहे हैं कि 350 अगर घर होगा तो 50 घरों में मुश्किल से आवास मिला है। तो ये जो प्रतिशत है ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं। तो सरकार विभाग मुखिया प्रतिनिधि कर क्या रहे थे इतने दिनों से? भैया आपका क्या नाम हुआ? गुगली मान जी। क्या करने आए यहाँ? यहाँ आया है यही हम लोग, ये यहाँ आया है, घर रहने का रहने का जगह नहीं है, इसीलिए आए हैं। आवास नहीं मिला अभी तक? नहीं मिला है। कितना दिन से रह रहे हैं मट्टी फूस में? बहुत दिन से रह रहे, बचपने से रह रहे हैं। रिंकू ठाकुर सर। कहाँ गांव है? गांव कब है? चरका कॉल धपेड़ी। तो क्या अभी तक आवास नहीं मिला है? नहीं मिला है सर, 7-8 साल से नहीं मिला है। इससे पहले आवेदन कहाँ दिए थे? किसी को, मुखिया को, विधायक को? बोले सब दिए थे सर, कुछ सुनवाई नहीं होता है, कहीं नहीं होता है। कितना लिख पढ़ के दिए, कोई सुनवाई नहीं होता है। आपका नाम? पिंकू दरवे सर। बताइए क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे सर नहीं हम लोगों को नहीं घर नहीं कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसे झोपड़ी में रह रहे हैं सर, नहीं कुछ मिल रहा है। मुखिया को 50 बार लिख के आवेदन दे दिए, कुछ मटिया भी कुछ नहीं। कौन है मुखिया? कौन है यशस्वी मुखिया का नाम बताइए? मुखिया अशोक वैद्य भी है सर। अच्छा, अशोक वैद्य उनके मुखिया के पति हैं? पति है, कुमारी कंचन है सर। क्या बोल रहे थे मुखिया जी इतने दिनों से? बोल रहे हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ नहीं सर अब तक में। कितना साल मुखिया जी काट दिए आपके गांव में? कितना टाइम? 6 साल, 6ठा साल है ना? 6ठा साल हो गया सर, 6ठा साल हो गया, कुछ भी नहीं होता। कहता कि हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता है। 5 साल मुखिया का टर्म, 1 साल एक्सटेंडेड वाला टर्म जो तमाम मुखिया को तोहफे के तौर में मिला है, और लगातार सरकार मुखिया का टर्म बढ़ाती जा रही है क्योंकि 14वें 15वें वित्त का पैसा खर्च करना है। लेकिन यह अमूमन यही स्थिति है कि तमाम जो यहां पर गांव है, जिस पंचायत की हम बात कर रहे हैं ये है बड़ी कल्याणी पंचायत, और लोगों के घरों तक घर नहीं पहुँच पाया है। क्या बोल रहे थे? आपका नाम? छोटू सा। क्या परेशानी? क्या परेशानी? यही है, रहने का भी साधन नहीं है। इंदिरा आवास खाली बोल रहा है कि मिलेगा, अभी तक मिला ही नहीं है। क्या लग रहा है कि सरकार इस तरह कैंप लगाई है, अब आपको आवास मिल जाएगा? पता नहीं, अब देखिए क्या होता है, क्या करता है सरकार सर, बताइए मिलेगा कि नहीं मिलेगा। खाली हम लोग को दौड़ा रहा है। उम्मीद कितना है? उम्मीद नहीं है सर। क्या है उम्मीद? कैसे खो दिए उम्मीद? कलम ऐसा कहा बोल रहे हैं कि मिलने वाला नहीं सर? कभी कहता फोटो ये लगा वो लगाते सारे दुनिया हार गया। अच्छा हुआ इसमें 30 रुपया, 30 रुपया खर्च हो गया टोटल। फोटो स्टेट कराने में, कागज तैयार करने में। हाँ, फार्म की बोल। हाँ, हमको राशन कार्ड नहीं है। राशन कार्ड नहीं? यही पंचायत के हैं। हाँ, कितना दिन से आपको राशन कार्ड का दिक्कत है? जितना दिन से आदमी को मिलता है उतना दिन से हमको नहीं है। एक बच्चा का भी नहीं बना है, एक राशन हमको नहीं है 11 आदमी के। मेरे नाम आ गया लिस्ट में, अब इंदिरा आवास नहीं मिल रहा। काहे काहे? मुझे नहीं मुखिया से। मुखिया कहाँ है कुछ नहीं, मुखिया रहता पता नहीं जा। मुखिया बेल कर जे की कर बे कहना दे जे नहीं दे जे की कर केना कहे हम। तो मुखिया तो पूछे ना जो इज्जत उज्जत नहीं दे जो की इतना। अरे रांची के कागज आपके जो यहाँ कटवा दी थी यहाँ ने। हाँ अच्छा, कटवा दी जनाम। हाँ, राज दुश्मनी दुश्मनी से आप की से कारण कटवा रहा क्या बात? क्या कहे साथ में यही है ये ना क्या कुछ वोट लिए आप पैसा लेके, तो हम पैसा लेके लिए तो कौन चीज का मिलेगा? यही ना। तब वाह वाह, पैसा लेके वोट लिए इसीलिए घर न मिले? आप जो नहीं लिया है पैसा वो कहता है तुम वोटे नहीं दिया है। ओ, ये बानी है। तब देखिए हमारे पास ना किसान वाला मिला है। हाँ,
न इंदिरा आवास है, कुछ वो नहीं है हमारे पास भाई, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यही स्थिति है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ जो है, मैंने पहले भी कहा कि पेंशन और आवास में लगी हुई है। 6 साल मुखिया का टर्म हो गया साहब, बात को समझिए, और अभी तक सबसे ज्यादा भीड़ यहाँ है। कुछ नहीं नाटक है, किसी को कुछ नहीं मिलता है, गारंटी गारंटी कैसे नहीं मिलेगा? हम लोग को नहीं मिला है, कभी नहीं मिला है, कितना दिन से नहीं मिला, कभी नहीं मिला है, कभी नहीं नहीं। हमारा नाम राम प्रसाद साहब, कितना उम्र हुआ हमारा? 58 साल। तो काय को मुखिया देखे अभी तक? मुखिया हम 3 को देखे, 3 को, तीनों मुखिया हम कोई नहीं पा रहा, कुछ नहीं। तो क्या लगता है कि सरकार बस हुआ ने, कुछ हुआ कुछ कहीं कुछ, तीनों मुखिया हमने पा रहे, कुछ नहीं हुआ है? कुछ तो सरकार का आया है आपका, आप सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का नाम है, सब तक होते रहता है, लिख के जाते रहता है, कुछ नहीं आता है, खत्म हो जाता है। जो है हरिबोल है, हरिबोल है, हमको नहीं मिला, तुम जानते कुछ नहीं मिला। तो लोग कहते हैं कि ये जो ताक चौबंद व्यवस्था है, ये सरकार के लिए सिर्फ खाना पूर्ति है, क्योंकि जो 6 साल 15 साल 20 सालों में नहीं हो पाया, वो अब 2 दिन में क्या हो पाएगा। तो यही स्थिति है और यही लोग कहना चाहते हैं। तो हम बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिला टॉप, हम और भी जगह से आपको प्रशासन दिखाएंगे।